गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों को और एक नया और आपकी चाहते वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता होगा, आपका मतलब जो फेवरेट वीडियोस होता है, पिक्सल एक्सपीरियंस होता है, मेरे को भी पता है गाइस। इसके लिए मैंने कल आपको पिक्सल का लाइट वर्जन भी प्रोवाइड किया था एंड आज बारी है डार्क वर्जन की। एंड इसमें आपको बहुत सारा चीज़ चेंजेस मिल जाता है, जैसे कि आपने फीडबैक दिए थे उसके अंदर हमने चेंज किया है। तो आगे वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा एंड एक बहुत ही ओपी थीम आपको मिलने वाला है। यदि आपको इंटरेस्टेड है तो अपना टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही इजी तरीके से आप थीम डाउनलोड कर सकते हो एंड टेलीग्राम ज्वाइन करने वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी लोगों के लिए, तो ज्वाइन कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं वीडियो के अंदर एंड वीडियो के आप देखोगे इस तरह कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है पिक्सल का। एंड इस तरह कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। होम स्क्रीन बात करेंगे एंड ऑब्वियसली एक डार्क मोड है। हम डार्क मोड क्यों बनाते हैं? बेसिकली हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम जो फीचर्स यहाँ पे ऐड करते हैं, नोटिफिकेशन कॉलर हो गया, ये आपको तो रियलमी के अंदर नहीं मिलता है। उसके साथ साथ आप यदि लाइट मोड यूज करके उसको डार्क स्विच करके यूज करना चाहते हो, बट ये नहीं होता है क्योंकि इसीलिए हम डार्क मोड बनाते हैं। आप नॉर्मली डार्क मोड को स्विच कर दोगे तो ये फीचर्स बंद हो जाएगा, आई मीन नॉर्मल डिफॉल्ट सेटिंग्स मतलब नोटिफिकेशन पैनल के अंदर स्विच हो जाता है। तो इसलिए हमको डार्क एंड लाइट डिफरेंट वेरिएंट बनाना पड़ रहा है। तो इस तरह कुछ आप देख लिया होगा, इसका आइकन्स वगैरह कुछ इस तरह का खूबसूरत देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड बात करके नोटिफिकेशंस पैनल की गई, जी दोस्तों कुछ भाई ने बोले थे कि नए नोटिफिकेशंस को चेंज कर दो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का एक मतलब स्टॉक नोटिफिकेशन ऐड किया है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगे ये नोटिफिकेशन पैनल। बात करेंगे अब सेटिंग्स की, जी दोस्तों सेटिंग्स भी इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है एंड ऑब्वियसली डार्क मोड के साथ आता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है, आइकन्स वगैरह एंड बहुत ही ओपी देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे वॉल्यूम पैनल की, दोस्तों वॉल्यूम पैनल आपको यहाँ पे जो उसका कलर एसेंट कलर है ब्लू कलर के अंदर एंड ग्रेडिएंट ब्लू, वो उसके अंदर ही मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करेंगे यहाँ पे अदर जो फीचर्स हमने ऐड किए हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे आइकन्स वगैरह आपने देख सकते हो, तो इस तरह कुछ आपको देखने को मिल जाता है एंड आइकन्स एप्लीकेशन ड्रॉयर भी ऐसा देखने को मिल जाता है। बात करेंगे यहाँ पे अपना लॉक स्क्रीन की, दोस्तों आप नज़र डालोगे इस मतलब लॉक स्क्रीन के ऊपर तो इस तरह कुछ आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है यहाँ पे, तो बहुत ही खूबसूरत देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट मिल जाता है ऑब्वियसली एंड ये जो फिंगरप्रिंट हमने ऐड किया है ये सॉफ्टवेयर फिंगरप्रिंट है, ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं है। एंड ये फिंगरप्रिंट की मदद से आपकी फ़ोन के अंदर यदि फिंगरप्रिंट नहीं है तो इसका आप मज़ा ले सकते हो आपकी फ़ोन के अंदर, यदि आपकी फ़ोन के अंदर नहीं है फिंगरप्रिंट। एंड यदि आपकी फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट है तो आप नॉर्मली आपका फिंगरप्रिंट यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा इस तरह का आपको फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं इस थीम के अंदर एंड इस तरह का आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है। चलिए हम बात करते हैं इस थीम के अंदर आपको कैसे फाइव पिन्स का ट्रायल को बाईपास करना है एंड इस थीम को कैसे डेली बेसिक्स में यूज़ कर सकते हैं आप सभी लोग। दोस्तों सिंपल सी इस थीम को डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक तो अब तक मिल चुका होगा एंड आप पासवर्ड के साथ साथ उसको ओपन कर देंगे। जैसे ही ओपन करेंगे आपको इस तरह का फाइल देखने को मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का दो फाइल्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है, डार्क एंड दो फाइल्स फिंगरप्रिंट विदाउट फिंगरप्रिंट। आप दोनों से कोई भी ट्राई कर सकते हो, आपकी फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट है इन डिस्प्ले तो आप विदाउट कर सकते हो, नहीं तो फिर विद फेक मतलब कर सकते हो। ओके, सिंपल से इस थीम का इंटरफेस कुछ आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा एंड अभी क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल से यहाँ पे ट्राई आउट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही ट्राई आउट यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, अपना जो थीम है आपकी फ़ोन के अंदर फाइव पिन्स के लिए ट्राई आउट हो जाएगा। अभी बाकी है इस थीम को फाइव पिन्स के ट्रायल को पूरा बाईपास करके फाइव मतलब डेली बेसिस में यूज़ करने के लिए आपकी फ़ोन के अंदर आई मोड प्रो होना चाहिए। एंड आपको पता नहीं आई मोड प्रो क्या होता है, मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप जाकर चोर रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आई मोड मिल जाता है, सिंपल से आई मोड पर जाना है। जैसे आई मोड पर जाएंगे इस तरह कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आई मोड प्रो के अंदर। तो यहाँ पे आप ऊपर देखोगे इस तरह कुछ ब्लू कलर का बटन दिख रहा है, सिंपल से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो थीम ट्रायल हैज़ बीन डिसेबल्ड, मतलब आपकी फ़ोन के जो ट्रायल डिसेबल मतलब था, जो बार बार ट्रायल आ रहा था, वो यहाँ पे डिसेबल हो चुका है। एंड अभी चाहे इस थीम को मतलब फाइव पिन्स के साथ से बाईपास के साथ साथ डेली बेसिस में उसको यूज कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों मेरे को यही बताना है इस थीम के अंदर ऐसा चीज़ है और इस थीम को कैसे यूज करना है पिक्सल का। एंड मेरे को उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं एंड मेरे मिलता हूँ नेक्स्ट आपको वीडियो के अंदर एंड ओके बाय बाय, टेक केयर।